हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर बने रहिए। आज हम बनाएंगे आंवला के हलवा। देखते रहिए, इस तरह से हम बनाते हैं। पहले हमने आंवला को अच्छी तरह से धो करके रख लिया उबलने के लिए। अब इसको हम आंच पर चढ़ा देंगे चूल्हे पर। इसको अब हम ढक्कन से ढक देंगे। ढकने थोड़ी देर के बाद आंवला उबल कर तैयार हो चुका है। अब इसको हम नीचे उतार देंगे। कुछ देर में ठंडा हो जाए के बाद हम इसको छोड़ा लेंगे। बिया अलग कर देंगे और आंवला का अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब हम इसको मिक्सर में रख कर पीस लेंगे महीन से। आंवला ठंडा के दिन में बहुत ही फायदेमंद होता है। ठंडा या सब दिन खाइए आप, आंवला फायदा ही करता है। लेकिन इस समय लोग आंवला के बहुत तरह से सामान लोग बनाता है। अचार हो, मुरब्बा हो, हलवा हो। तो अब हम इसको कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी डालने के बाद अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद इसमें जो आंवला हम पीसे हुए हैं उसको डाल देंगे। आंवला डाल दिए। आंवला को हम घी में मिला देंगे। अब हम ये गुड़ डाल देंगे और गुड़ डालने के बाद इसमें हम चीनी भी डालेंगे। जितना आंवला होता है उसे दुगना हम चीनी और गुड़ मिलाकर इसमें डालते हैं, क्योंकि आंवला खट्टा होता है। हलवा मीठा बनाने के लिए इसमें दुगना गुड़ और चीनी डालना होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने चीनी भी मिला दिया है और हमारा अब हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। अब हम बादाम पीसे थे इसको डाल दिए। इसको डाल करके इधर बादाम पीसे थे तो उसको डाल दिए और डाल करके मिला देंगे। मिलाते रहेंगे। अब हम इधर पकौड़ा बना रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग को डेली मन करता है पकौड़ा खाने के। और इधर हलवा भी तैयार हो गया है। अब इधर
पकौड़ा को हम चलाते रहेंगे, पकौड़ा तैयार होने के बाद इधर हम निकाल लेंगे। हमारा पकौड़ा भी तैयार। अब इधर हलवा के लिए बादाम, इलायची, किशमिश, इलायची सब तैयार कर लिए। अब हम हलवा में डाल देंगे। अब हमारा ये स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो को देखते हुए लाइक करें।